हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट पे। दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके मुझसे पूछा दो सवाल। फर्स्ट, क्या हम लोग ग्रोसरी एप्लीकेशन में अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो किराना सामान रहता है, उन सब चीजों को छोड़ के क्या हम क्लोथ्स सेल कर सकते हैं? जो अदर चीजें रहती है, मतलब ग्रोसरी शॉप को छोड़ के क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर आप किसी अदर डेवलपर को कांटेक्ट करते हो, किसी बड़ी कंपनी को, आपको पता है मैं एज अ फ्रीलांसर अभी काम करता हूं, आप अगर किसी बड़ी कंपनी को काम कॉल करोगे और उनसे बोलोगे कि मुझे ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाना है, तो वो सीधा आपको बोलेंगे कि 1.5 लाख का खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा, मल्टी वेंडर बनवाइएगा तो 3.5 लाख का खर्चा आएगा। और मेरे वीडियोस आप सभी ने देखे होंगे, मैंने वहां पे बताया है 8,000 रुपीज, ठीक है, 8,000 रुपये बताया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं जो दे रहा हूं आपको, इसमें सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं, ये कंप्लीट टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है, जहां से मतलब शुरुआत कर सकते हो अपनी बिजनेस की आप, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो लॉस हो जाएगा, तो दोबारा उठ नहीं पाओगे। लेकिन ये छोटा इन्वेस्टमेंट करके अगर आपका लॉस भी होता है, तो दोबारा आप सोच सकते हो कि हाँ, मैं दोबारा एप्लीकेशन दूसरा मतलब बनाऊं, या फिर इसमें दूसरा कुछ करके ऑनलाइन में कुछ दूसरा स्टार्टअप करूं, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस थे आपके, कि उन कंपनी वालों को जो रहता है उनका रेट बहुत ज्यादा क्यों होता है, और फर्स्ट वाला कि ग्रोसरी एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या सेल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं जरा अच्छे से आपको समझाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों कुछ टेम्पलेट्स चीप रेट में आ जाते हैं, क्यों कुछ डेवलपर्स आपको चीप रेट में एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे कि ग्रोसरी एप्लीकेशन में आप क्या क्या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रोसरी ऐप में आप एक स्मार्टफोन भी सेल कर सकते हो, एक पेन भी सेल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप सिर्फ एक किराना, आपको पता है किराना शॉप में आजकल हर चीज अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो वहां पे, आजकल धीरे धीरे मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ कुछ शॉप्स में मोबाइल भी उन्होंने ऐड कर दिया है वहां पे, मोबाइल, और प्लस उसके ऊपर आप जाइएगा तो क्लोथ्स वगैरह भी उन्होंने ऐड कर दिया, कपड़े भी आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे वो लोग कस्टमर जो आ रहे हैं उनके पास, वो उनको कोई भी चांस, मतलब जो चाहे वो सेल करना चाहते हैं, उसमें मिस नहीं करना चाहते वो, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने ग्रोसरी ऐप में मोबाइल सेल करना चाहते हो, या फिर आप उसके अंदर क्लोथ्स कपड़े सेल करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हो, घबराना नहीं है। आप सेम एप्लीकेशन बना के, मतलब देखा जाए तो ये एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन भी आपके लिए बन सकता है, ग्रोसरी ऐप आपके लिए एक ई कॉमर्स का भी ऐप बन सकता है, ठीक है। और जो मैं कॉस्ट आपसे लेता हूं, मैं जो कॉस्ट लेता हूं, सबको पता है मैंने एक बार लास्ट टाइम ऑफर में भी डाला था, वैसे मैं उसको 25,000 लेता हूं, बट स्टिल मैंने मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को 8,000 में ही दिया, क्योंकि वो कंप्लीट, मतलब मेरे पास टेम्पलेट है कंप्लीट, मैं एज ए रिसेलर बाय किया है उसको और मैं सेल करता हूं, ठीक है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को मैं देता हूं, डजंट मैटर। तो आप लोग ग्रोसरी ऐप में जो चाहे वो सेल कर सकते हो, आपको जैसे प्रोडक्ट को कैटेगरी बनाना है, कैटेगरी बना बना के धीरे धीरे जो जो आपको प्रोडक्ट को, क्लोथ सेल कीजिए, उसमें पेन सेल कीजिए, उसमें एग मीट्स वगैरह सेल कीजिए, उसके अंदर मोबाइल फोन सेल कर सकते हो, उसके अंदर गोल्ड भी सेल कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है, सेल कर सकते हो अगर आप चाहते हो उसमें ज्यादा कस्टमर्स आए, कर सकते हो उसके अंदर सेल, उसमें ऐसा कुछ पाबंदी नहीं रहती कि आपको वही सेल करना है, एक चीज आपने ग्रोसरी लिया तो किराना का ही सब सामान सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता, सब सेल कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं कि आप दूसरी कंपनी को कॉल करते हो तो वो क्यों आखिर आपसे 3-4 लाख मांगते हो, और मैं क्यों आपको इतने सस्ते में बना के दे रहा हूं, या कोई भी डेवलपर जो चीप रेट में प्रोवाइड कर रहा है वो क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। आपको मैं पहले आपके आपके थोड़ा जो क्लियर हो जाए आपका माइंड, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं जो आपको एप्लीकेशन देता हूं ये टेम्पलेट बेस्ड रहता है, इसमें मैं सोर्स कोड नहीं देता हूं, ठीक है। और जो आप किसी अदर कंपनी से जब आप बनाते हैं तो वहां पे क्या रहता है कि वो कंप्लीट स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको बनाकर देता हूं, मेरे पास कोड करा कराया, मुझे बस कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करके आपको वहां पे आपका पैकेज नेम आपका चेंज करना है, सर्वर यूआरएल चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, ये सारी चीजें मुझे चेंज करनी है, और जो मेरा कंप्लीट कोड में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं कुछ उसमें से, मतलब मेरे डेवलपमेंट चार्ज कंप्लीट डेली, जो मेरा जो कोड का इन्वेस्टमेंट है टोटल मिला के मैं लगभग, क्योंकि मैं सर्वर भी आपको 1 ईयर का देता हूं जो कि बिल्कुल स्मूथ चलता है, तो ये कंप्लीट मिला के मैं आपसे 8,000 चार्ज करता हूं। और जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो क्यों आपसे ज्यादा अमाउंट लेते हैं, क्योंकि उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, एकदम शुरू से लेकर एंड तक उसमें हर चीज डालनी पड़ती है, पेमेंट गेटवे उनको पूरा कोडिंग करके डालना पड़ता है, मतलब समझ के चलिए कि ग्रोसरी आपको बनाने के लिए उनको कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके 2 या 3 डेवलपर वर्क कर रहे हैं, पीएचपी का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का डेवलपर वर्क कर रहे हैं, एंड्रॉइड के लिए अलग से रहता है, पीएचपी के लिए अलग से रहता है, ठीक है ना, तो वो दोनों का अगर मंथली सैलरी आप जोड़ो, अगर वो 50,000 भी अगर एक बंदे का सैलरी है तो दोनों का 1 लाख रुपए सैलरी हो गया, प्लस जो कंपनी उनको पूरा रहने का वर्क करने का, उनका जो पीसी वगैरह यूज था वो सारा सामान दे रही, वो भी कहीं ना कहीं 10-12,000-15,000 चार्ज करेगी, ठीक है, 1.15 यहीं पे हो गया, प्लस 10-15,000 सर्वर का आपका ले लीजिए तो 1,30,000 यहीं पे हो गया, तो कुछ मिला जुला के लगभग 1.5 लाख तक आपका अमाउंट चला जाता है।
उसमें आपको कुछ बग्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप कंपनी के पास जाते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट बताते हैं, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी सब पहले से क्या करा है ना, तो मैं किसी स्टाफ को रख रहा हूं ना उसके लिए, मुझे क्या करना है बस रीस्किन करके देना है। मतलब मुझे एक ऐप कंप्लीट बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो है मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, कम समय में एक कम अमाउंट में आपको ऐप मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कम अमाउंट में मैं प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी भी हो जाती है, अब फिर उसके बाद में कुछ क्या क्या होता है आप सभी को पता ही है। खैर, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अब मैं जो भी मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि लाइक वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो जरा फास्ट फास्ट दे रहा हूँ आपको। और मे भी हो सकता है अल्टरनेट नंबर मैं कल या परसों बता दूंगा, तो उस नंबर पर भी आप कॉल करके अपने एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।